लोगों ने देखा इस टाइप का प्रोग्राम। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, जरा हाथ ऊपर करके बताएं कि हम पहली बार आए हैं जो ऐसा प्रोग्राम देखा। अब मैं ये नहीं पूछ रहा हूं अच्छा लगा बुरा लगा, ये नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन पहली बार जिन्होंने ये प्रोग्राम देखा, तो मैं चाहूंगा ये जितने भी हमारे गेस्ट हैं जो लोग आज यहां पर पहुंचे हैं उनके लिए जबरदस्त ताली होनी चाहिए। ओके, अब एक बात और एक पूछना ये भी मैं चाहूंगा कि कुछ लोग ताली बजा रहे हैं, ये बाकी बात में करेंगे बात है, ऐसा कुछ नहीं है और कोई इतनी इंपॉर्टेंट खास बातें नहीं करेंगे हम, वही बातें आप लोगों ने कभी सुनी होंगी, लेकिन कुछ लोग ताली बजा रहे हैं कुछ लोग बजा नहीं रहे, इसकी वजह जान सकता हूं? दो कारण हो सकते हैं, या तो उसके हाथ में दर्द है, या तो उसके हथेलियों में दर्द है, या फिर वो खुश नहीं है घर से झगड़ा लग गया है, या फिर ये हो सकता है जो यहाँ पर लोग अचीवमेंट ले रहे हैं जिन लोगों को मान सम्मान मिल रहा है वो सोच रहे हैं इनको क्यों मिला ये, कितने लोगों को खुशी हो रही है। अच्छा, अभी भी कुछ लोगों को खुशी नहीं है ऐसे करके बैठे हैं, है ना, खुशी मिली कि नहीं मिली? तो मैं चाहूंगा, देखो कुछ सारे लोग पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आलिम लोग बैठे हैं, बहुत अच्छे जिन लोगों ने अच्छी तालीम ली हुई है, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरा जो बैकग्राउंड की अगर बात करूं तो मेरी तो जिंदगी से जंगलों में गुजरी हुई है, मेरा जो बैकग्राउंड है आर्मी से एक्चुअली, और बचपन से हम ज्यादा मुझे तालीम लेने का मौका नहीं मिला, ये मेरी मजबूरी थी, लेकिन आप लोग सब पढ़े लिखे लोग बैठे और मैं ये देख पा रहा हूं, मैं समझ पा रहा हूं इस बात को, तो आप लोगों तक मुझे शायद ये मैसेज देने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना जरूर बता देता हूं, शायद किसी ने बताया नहीं बताया कि ताली बजाने के प्रॉफिट क्या क्या है, यहां बताया किसी ने? किसने बताया था आलिम साहब ने? किसने बताया था? आपने बताया था? तो ये फ्री का फायदा भी लेना नहीं चाहते आप लोग? अरे समझ लो फ्री का फायदा तो ले लो, हकीकत में ये आप बुरा मत मानना, कुछ लोगों को अभी भी क्या ताली बजाने में शर्म आ रही है, मैं तो बहुत मतलब, अरे भाई ताली बजाने से बुरा मत मानना, जैसे कांता मैडम जयपुर से चल के आप देखिए दो दिन का सफर तय करके आज 20 साल की बेटी उनके साथ में पढ़ी लिखी बच्ची है, आज भी लोग आए हैं तो कहीं के आप लोगों को हमें टाइम देने के लिए पाए ना, है या नहीं? तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, सब मैच्योर है, सब समझदार है, सब रिस्पेक्टेड है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये एक अच्छा माहौल है और इसको और अच्छा बनाने के लिए बहुत सारी बातें करनी पड़ती है, ठीक है ना। लेकिन महेंद्र सर ने आप लोगों को ताली बजाने का राज क्या बताया था? करूंगा 5 मिनट लूंगा मैं, फिर बात करूंगा आप लोगों से, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की मैं यहाँ बैठा था तो इतना जो होल है जिसके अंदर बैठने के लिए जगह नहीं है, लोग खड़े हैं फिर भी ताली की आवाज नहीं आ रही, यहाँ नागपुर में ज्यादा भी नहीं तो कम से कम 500 मीटर 1 किलोमीटर तो पता लगना चाहिए, यहाँ पे प्रोग्राम है यार, जिंदा दिल बैठे हैं यार, जिंदा दिल कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे, अरे जो जिंदे हैं जिनके अंदर जान है यार, कितने लोग हैं यहाँ पे, जो अपने आप को समझते हैं, हाँ मैं हूं कुछ हूं मैं, हाँ जी सभी लोग है ना। तो दोस्त सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, नाम मेरा बता दिया है, नसीब खान नाम है, बेसिकली मैं राजस्थान से हूं। अपने बैकग्राउंड की बात करूं तो मेरा बैकग्राउंड आर्मी से है, 22.5 साल मैंने आर्मी नौकरी की है, आर्मी में नौकरी करने के बाद मैंने डिस्चार्ज लिया, रिटायरमेंट लिया, रिटायरमेंट लेने के बाद में किसी दूसरे काम की मैंने शुरुआत की, मेरे मामा जी हैं वो नगर परिषद के अंदर कॉन्ट्रैक्टर का काम करते थे, ठेकेदारी का काम करते थे, जब ठेकेदारी का काम करते थे तो मैंने आकर के उन मेरे मामा जी के साथ मैंने काम करना शुरू कर दिया, कुछ मेरी पेंशन आती थी और कुछ जो है मेरे को मामा जी पैसा देते थे जिससे मेरे घर का खर्चा, मैं ये बोल सकता हूँ अपने आप को मैं ठीक ठाक चला रहा था, तो जैसे तैसे करके जिंदगी चल रही थी, मुझे लगभग रिटायरमेंट लेने के बाद मुझे 3 साल हो गए थे इस काम को, ठेकेदारी के काम को करते हुए, लेकिन कुछ लोग बीच में जा रहे हैं, अगर कोई इतना अर्जेंट है तो देखिए जा नहीं सकता, ऐसी कोई बात नहीं ना, किसी को कुछ ज्यादा अर्जेंट है जा नहीं सकता, लेकिन फिर 20 मिनट बात करेंगे, फिर बीच में नहीं उठेंगे ना, उससे थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो 3 साल तक मैंने इस काम को किया, ठेकेदारी के काम को, और उसके बाद
मुझे किसी काम में आने का मौका मिला जिसको मैं पिछले 7 साल से कर रहा हूं, लेकिन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि आप लोगों के बीच में बहुत सारे लोग आए आज इसी नागपुर से, आप लोगों ने मोहसिन सर के जबान से सुना होगा, इन्होंने मेरे से फेसबुक से मेरे से बातचीत हुई थी, मैं इनको नहीं जानता था, ये मुझे नहीं जानते थे, मेरी फेसबुक पे ये फैन, और इन्होंने एक दिन मुझे कुछ मैसेज भेजा, फिर मेरे को व्हाट्सएप पे किया, इन्होंने सारी बातें बता दी, मैं रिपीट नहीं करूंगा, और ये इतने में मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने इनका 2-3 मैसेज, क्योंकि मेरे पास कम से कम आज के दिन हजारों मैसेज व्हाट्सएप पे आते हैं, बहुत सारे लोगों की सलाम दुआ भी आती है हर टाइम से, मतलब मैं सीन नहीं कर पाता, ये मेरी मजबूरी आज के दिन, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं, भले 2-3 में टाइम मिले रिप्लाई जरूर करने की कोशिश करता हूं। तो इनकी मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, फिर मैंने देखा यार कौन आदमी है ये, हेलो भाई कौन हो कहां से, उन्होंने बताया कि मेरा नाम ये है ऐसे ऐसे, बताइए भाई क्या बात है क्या चाहते हो, सर मैंने आपको सुना है आप AWK में हो, यस बोला सर मैं AWK करना चाहता हूं, बट मुझे अभी तक समझ में नहीं आई ये बात, तो मैं बोला ठीक है मैं कभी मिलूंगा, तो सर कैसे मुलाकात करें क्या नहीं करें, तो मुझे एक बार तो ऐसा लग रहा था पता नहीं कोई चीटर ना हो, कोई फ्रॉड आदमी ना हो, बंदा कैसा है कोई पता नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने मेरे को भरोसा किया, मैं चिंता मत करो मैं चल के आऊंगा, यहाँ पे नागपुर आया था बाइक लाइक मेरे पास उस समय टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी मैं इनके पास आया, इनसे मिल के गया, ये हकीकत है, लेकिन आज से कुछ दिन पहले इन लोगों ने मेरे को भरोसा किया, आज इस यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे टोपाज बने, इन्होंने बहुत बड़ा डिसीजन लिया, बहुत बड़ा फैसला लिया, जबकि मुझे जानते नहीं थे फेसबुक के जरिए से, उसके साथ साथ इनके साथ में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग आए जो आज एमराल्ड बने, प्लेटिनम बने, गोल्ड बने, सिल्वर बने, ब्रॉन्ज बने, और सबसे पहले मैं उन तमाम लोगों को आज इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए, इतनी बड़ी मान सम्मान के लिए, इतने बड़े अचीवमेंट के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। शुक्रिया। लेकिन कुछ लोग आज पहली बार बैठे हैं, आप लोगों ने बहुत देर से ये सोचा होगा ये ड्रामा क्या चल रहा है, ये पिक्चर क्या है, कुछ लोगों को समझ में आई होगी, कुछ लोगों को समझ में भी नहीं आई होगी, कुछ लोग बैठने के बाद चले भी गए, तो छोड़ यार कितनी देर होगी इन लोगों को, ये आ रहे हैं जा रहे हैं बार बार ताली बजवा रहे हैं, ड्रामा क्या चल रहा है, ये ड्रामा चल क्या रहा है। लेकिन मेरी बात को सुनिए, महेंद्र साहब ने काम का मैडम ने, विक्रम जी ने, मोहसिन जी ने बोला मैंने कार खरीद ली, हमारे पास भ्रष्टी है, हमारे पास ऐसा है ये है, तो पैसा मैटर नहीं रखता, पैसा मैटर नहीं रखता, पैसा खुदा नहीं होता, पैसा मैटर नहीं रखता। सबसे पहले मैं ये बोलता हूं कि जिंदगी में जो काम कर रहे हो काम क्या है, आदमी का काम जब करता है कोई भी काम करे उस काम के पीछे रीजन पैसा कमाना ही होता है, काम कोई भी हो मगर उस काम के पीछे इंसान का जो रीजन होता है पर्पस होता है वो पैसा कमाना ही होता है, बस हम देखने वाली बात ये है कि कौन सा काम कर रहे हैं, क्योंकि इंसान दो काम करके पैसा कमाता है, एक अच्छा और एक बुरा। क्या मेरी बात से सहमत है, मेरी बात से सहमत है कि इंसान जिंदगी में दो काम करके पैसा कमाता है, एक अच्छा और एक बुरा। मुद्दा यहाँ पे पैसा कमाने का नहीं है, मुद्दा काम का है। अगर आप 2 घंटे से बैठे हो तो मेरा आप लोगों को बताने का फर्ज यह है कि आज हम जो काम कर रहे हैं वो काम सही है या नहीं, पैसा बाद की बात है। दोस्त आज जो लोग आए इनको मान सम्मान मिला, भले ही आज वो ब्रॉन्ज बना, सिल्वर बना, गोल्ड बना, मैं ये बोल सकता हूं अगर वो ईमानदारी के साथ, एक अच्छे विश्वास के साथ, अगर एक अच्छी मेहनत के साथ वो काम करेगा तो इस कंपनी का एक दिन वो ब्रांड अंबेसडर भी बनेगा, नो डाउट बनेगा। वो जिसने आज 2500 रुपए कमाए एक दिन वो 100 करोड़ रुपए भी कमाएगा। लेकिन बात ये है कि ये आप लोगों के दिमाग में जो पहली बार लोग ने आए हैं वो ये सोच रहे होंगे कि ये लोग काम क्या करते हैं। दोस्त मैं आप लोगों को इस पहली सी बात को बताना चाहूंगा, दोस्त हम आयुर्वेद पे काम करते हैं जो 5000 साल पुरानी पद्धति है। आज से 20-30 साल पहले आप लोगों ने सुना होगा, आज जो बीमारियां हैं जैसी जैसी जितनी बड़ी बीमारी है उनका कभी नाम नहीं सुना होगा। कभी आपने 30 साल पहले बहुत मैच्योर लोग बैठे हैं, उम्र दराज लोग बैठे हैं, आज से 20 साल पहले 30 साल पहले कभी आपने कैंसर का नाम नहीं सुना होगा।
जिस तरीके से आज 20-20 25-25 30-30 साल के बच्चों को हार्ट अटैक होता है, पता लगता है पास करने करने झटकायर बंदर चला गया 20 साल के बच्चों को, 25 साल के बच्चों को, बट आज से 25 साल 30 साल पहले ये बीमारियां नहीं होती थी। आज हर घर में कोई ना कोई ऐसा पेशेंट मिलेगा जिसको शुगर पक्का मिलेगी। 20-30 साल के बच्चों को शुगर है या नहीं बताओ? बहुत सारे केस मिलेंगे। पहले 80-80 साल के व्यक्ति, 100-100 साल के व्यक्ति, 100 साल से नहीं 110 साल के व्यक्ति वजन उठाते आते थे, वेट उठाते थे, चलते थे, दौड़ते थे, जान होती थी। आज 40 साल के बच्चे से खाली सिलेंडर नहीं उठता, गैस का सिलेंडर नहीं उठता। क्यों? ये वजह यही है जो हम बताना चाह रहे हैं, हमारा खान पान, हमारे खान पान की वजह से जो भी है उसमें पेस्टिसाइड जहर, जिसको हम बार बार आप लोगों को बताते हैं, और उस जहर की वजह से, उस जहर ने हमें आप लोगों को अंदर से भोखला कर दिया। इतनी बीमारी, हर घर में बीमारी, हर घर में बेरोजगारी, और वो बीमारी इतनी लाइलाज हो चुकी है, उसकी वजह से हम कहां जाते हैं, एलोपैथी का सहारा लेते हैं, हॉस्पिटलों के चक्कर लगाते हैं, लेकिन हर आदमी की कैपेसिटी नहीं होती कि उस बीमारी से लड़ पाए। हर इंसान अपने घर का करोड़पति नहीं होता, हर घर में लाखों रुपए नहीं आते। अरे कोई मिडिल क्लास है, कोई लोअर मिडिल क्लास है, कोई 10,000 कमाता है, कोई 15,000 कमाता है, वो कैंसर जैसी महामारी बीमारी से नहीं लड़ सकता। जिसको हर डॉक्टर के हल्का सा दर्द हुआ और डॉक्टर ने बोला, चेकअप करवाया, क्या है, बोला तेरे को तो दो बॉल जो है, तेरे टैंक जो है वो ब्लॉकेज है, तुम्हारा ऑपरेशन होगा, क्या लगेगा, 3 लाख। अरे 3 लाख वो 3 साल में नहीं कमाता, वो अफोर्ड नहीं कर पाता, क्या करेगा, ऐसे में मजबूर होता है। और ऐसे लोगों के घर घर जा करके, ऐसे लोगों से मिल करके हम और हमारे ये फाइटर हम लोगों को बताते हैं, भाई क्या प्रॉब्लम है, वो हमें बताता है, मुझे शुगर है, कितने टाइम से है, पिछले 10 साल से क्या करते हो, एलोपैथिक लेता हूं, कितनी टाइम, 3 टाइम, पिछले 10 साल से, यस। एक काम कर मेरे भाई, सिर्फ एक बार हमारे बोलने से हमारी कंपनी के प्रोडक्ट ले ले, हम डॉक्टर नहीं है, हम डॉक्टर नहीं है। और आप लोग भी सोचते होंगे क्या ये लोग आए डॉक्टर हैं? अरे डॉक्टर हमारी माँ थी क्या? जो हमारी माँ है वो डॉक्टर थी क्या? आयुर्वेद के लिए किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं होती। जब हमारे पहले पुराने जमाने में, आज भी जब चोट लगती है हमारी माँ दूध के गिलास में हल्दी डाल के बोलती, पीले बेटा ठीक हो जाएगा, और ठीक होते थे, आज भी होते या नहीं होते? क्या हमारी माँ डॉक्टर है? हम भी डॉक्टर नहीं है। ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को बताते हैं, हमारे फाइटर बताते हैं कि सर हम डॉक्टर नहीं है, हम गारंटी नहीं लेंगे, लेकिन एक बार मेरे बॉलनेस है, एक बार ये प्रोडक्ट यूज कर ले, क्या पता जो पिछले 10 साल से एलोपैथिक ले रहा है, क्या पता 1-2 महीने में आपको ये लेनी ना पड़े और आपका ट्रीटमेंट भी सही हो जाए, आपकी लाइफ भी पहले जैसी हो जाए। और उस कंडीशन में वो यूज करता है, भरोसा करता है, और वो ठीक हो जाता है, और ठीक होने के बाद फोन करता है कि आपका लाख लाख शुक्र है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज मैं बिल्कुल ठीक हूं, महज 15-30 हजार रुपए खर्च करने से वो बंदा ठीक हो जाता है। आप बताइए ये काम गलत है या सही कर रहे हैं हम लोग? आवाज नहीं आई आप लोगों की, अगर आपके वाले आवाज नहीं है तो बहुत से सुनाए, ये काम सही है गलत है? सही है। इसी कंडीशन में बहुत सारे लोग हमारे को फोन करके, एक इंसान बोलता है पिछले 10 साल से घुटने में प्रॉब्लम है, चल नहीं सकता, हिल नहीं सकता, चार पाई से उठ नहीं सकता, और उस कंडीशन में हमारे लोग जाकर के बोलते हैं क्या बात है, बोला पिछले 10 साल से घुटना काम नहीं करता मेरा, ज्वाइंट में पेन है, दर्द होता है, उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता प्रॉपर। फिर डॉक्टर ने बोला है ऑपरेशन होगा, क्या लेगा, 2.5 लाख रुपए। ओके सर मेरे बोलने से एक बार मेरी कंपनी के प्रोडक्ट यूज कर ले, मैं गारंटी नहीं देता कि आप सही होंगे या नहीं होंगे, चल पाओगे या नहीं चल पाओगे, लेकिन एक बार यूज करके देखो, अगर जहां 2.5 लाख लगने हैं क्या पता आपकी 15,000 के पीछा छूट जाए, 2,35,000 बचवा दे, क्या पता डॉक्टर से ऑपरेशन करवाओगे वो चीर फाड़ करेगा, ऑपरेशन करेगा, और इस बात की भी गारंटी नहीं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा।
पैसे भी ले लेंगे। इस कंडीशन में हम पे भरोसा करता है और 2 महीने 3 महीने बाद, मैं ये नहीं बोलता वो दौड़ता है लेकिन वो अपना काम करने लग जाता है, चलने लग जाता है। फिर वो हमें फोन करके बोलता है, भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। ऐसे एक नहीं बहुत सारे केस हैं आज हमारे इस समाज के अंदर। ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं जिनकी 10-10 सालों की शादी हुई, 15-15 साल होगी, डॉक्टरों ने चक्कर लगा के तंग आ गए और वो जब हमारे कॉन्टेक्ट करते हैं फेसबुक के जरिए या हमारे लोगों से, देखिए देने वाला तो वो है, उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, इंसान की कोई ताकत नहीं है। लेकिन वो देता है, वो एक जरिया बना के देता है, वो एक जरिया बना के देता है, वो लोग हमसे कॉन्टेक्ट करते हैं। और ऐसे एक नहीं, इतने सारे प्रूफ है कि आज इस प्रोडक्ट को यूज करके आज उन लोगों के घर में बच्चों की किलकारियां गूंज रही है। आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, ये काम सही है गलत है? तो दोस्त, अगर सही काम करके और जिंदगी में इंसान को पैसे कमाने का मौका मिले और दुनिया में समाज की भलाई करके, लोगों की दुआएं लेकर के इंसान को पैसा कमाने का मौका मिले तो कमाना चाहिए। कितने लोग इस बात में सहमत है? कमाना चाहिए। लेकिन उसी बात को मैं फिर रिपीट करता हूं, अरे हम सच बोल के पैसा कमाते हैं, यहां लोग झूठ बोल के पैसा कमाते हैं। हम तो दावे के साथ सच बोल के पैसा कमाते हैं, लोग यहां झूठ बोल के पैसा कमाते हैं। दूध में मिलावट, मिठाई में मिलावट, मसाले में मिलावट, किस में मिलावट नहीं, लोग मिलावट कर करके पैसा कमाते हैं और झूठ बोल के। मैं किसी सबका, मैं सारी दुनिया में सब एक जैसे नहीं होते, ऐसे ऐसे हॉस्पिटल इंसान मर चुका है, इंसान मर चुका है, उसके बाद भी उसके परिवार से पैसे वसूले जा रहे हैं, उसके बाद उसके परिवार से पैसे वसूले जा रहे हैं। क्या करेगा, रो रहा है, दिल मिला रहा है। मुझे अभी भी याद है मेरे बड़े पगे लड़के को हार्ट की तकलीफ हुई थी दिल्ली के आरटीएमएस हॉस्पिटल में, मैं सुबह सुबह चाय पी रहा था, वहां पे इंसान रो रहा था, क्या हुआ, सारे पैसे खत्म हो गए, जमीन बेच दी, मेरा मन भी गया, फिर भी छुट्टी नहीं दे रहे, पसीज का मैं अंदर से, मैं इतना अमीर नहीं हूं यार, मैं भी फौजी हूं, रिटायर फौजी हूं, मैं भी टोटल 16.5 लाख लेके आया था, 4.5 लाख रुपए मेरे कर्जे में चले गए, एक छोटा सा मैंने प्लॉट ले लिया, आज मैं भी, मेरी भी हालत नहीं है। बस अब मेरे को उस रोते हुए इंसान को देख के ये हुआ था, काश नसीब तेरे पास कुछ और होता तो आज बंदे को मैं बचा लेता तेरे को। मेरे अंदर से आवाज आई, लोग ऐसा ऐसा काम करके झूठ बोल के पैसा कमाते हैं और उन पे हम भरोसा करते हैं। तो दोस्त, आज अगर हम सच बोल के समाज सेवा का काम करके, अगर कोई भलाई का काम करके, दुआएं पा करके अगर कोई अच्छा काम करते हैं, ये हमारा मिशन है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना ही लेती जाऊंगा ना पुरसे में कुछ, मेरी गाड़ी में आया हूं और मेरी गाड़ी में बैठ के चला जाऊंगा। बस मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अगर काम समाज की भलाई का है, अच्छा है और दुआएं लेने का है तो इस मिशन में साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? कितने लोग हैं दिल से कि इस मिशन में हम साथ खड़े हैं? अगर दोस्त इस मिशन में साथ देना चाहिए तो इस काम की शुरुआत करनी पड़ेगी, इस काम की शुरुआत करनी पड़ेगी। शुरुआत करने का मतलब डिसीजन लेना पड़ेगा, फैसला लेना पड़ेगा। और जब फैसला लेने की जब बात आती है तो यहां बैठे किसी किसी के आदमी में दिमाग में ये बात जरूर आती है, अरे फैसला ले तो लू, काम नहीं चला तो, रिजल्ट नहीं आया तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप 100% सही है। क्यों? आदमी को नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सोचना चाहिए। नेगेटिव और, मेरी आवाज आ रही है, प्रेजेंट है यहीं पे कि आदमी सोचता है, क्योंकि डिसीजन लेने के लिए यहां पर शुरुआत करनी पड़ती है। शुरुआत करने के लिए 15 से 16 हजार के एक बार प्रोडक्ट लेकर के अपनी जरूरत की शुरुआत करनी। इन्होंने भी वही किया, इन्होंने भी वही किया और इन्होंने भी, हमने भी वही 15,000 रुपए लगा करके मैंने भी शुरुआत की थी इस इंडस्ट्री में, इन्होंने भी वही किया। इसको करने के लिए डिसीजन लेना पड़ता है और फिर आदमी बोलता है डिसीजन ले तो लू, फैसला ले तो लू, काम चला या नहीं चला तो, प्रोडक्ट के रिजल्ट अगर नहीं आए तो, अरे मैं बोलता हूं नहीं आए तो, काम नहीं चला तो। हेलो, आवाज आ रही है?
मैं आपके साथ बोल रहा हूं कि 99% बात सही है, काम नहीं चला तो रिजल्ट नहीं आए तो बात तो 15,000 की है। क्या 15,000 लगा करके यहां पर प्रोडक्ट ले करके जिस काम की शुरुआत करेंगे और नहीं चला तो रिजल्ट नहीं आए तो क्या होगा? अरे रिजल्ट नहीं आए तो आयुर्वेद कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा, पीएंगे इन प्रोडक्ट को पी करके जैसे वैसे रहेंगे। लेकिन नहीं चला तो क्या जिस स्कूल में बच्चे जा रहे हैं उसमें जाना बंद कर देंगे? जिस खाने को खा रहे हैं वो खाना बंद हो जाएगा, जिस मकान में रहते हैं वो मकान छूट जाएगा, जो लाइफ है वो ही रहेगी। लेकिन 1% काम चल गया तो रिजल्ट आ गए तो, और ये बात मेरे समझ में आई थी और जिस इंसान ने मुझे समझाया था, मैं चाहूंगा मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं उस शख्स के लिए जबरदस्त ताली, मिस्टर महिपाल सर के लिए जबरदस्त ताली। तो ये मेरे पास आए थे और उन्होंने ये बात जब बताई, मेरे एक बात समझ में आई कि यार बात तो सही है नसीब, अगर 1% चल गया तो रिजल्ट आ गया तो नसीब जिस मोटरसाइकिल से तू चलता है तू कार में आ सकता है, तू रेंज रोवर में आ सकता है, जिस किराए के मकान में है तू बंगले में जा सकता है, यार जिंदगी बदल जाएगी। उसी 1% पॉजिटिविटी के साथ मैंने शुरुआत की और जब शुरुआत की बहुत सारे लोगों ने बोला हाँ, तू फंस गया। मैं बताता था भाई ये काम करना है, तू बन जा करोड़पति, तू बन ले बड़े डॉक्टर, तू कर ले तेरे को देख लेंगे। कितने लोगों को मैंने बताया और मेरे अपने भी नहीं आए जिसमें मैं पूरा ये बोलता हूं ये तो मेरा खून का हिस्सा, ये तो मेरा सगा है। जो लोग बोलते ना बोल भाई तेरा भाई तेरे लिए जान दे देगा, आराम जा तुमने 15,000 रुपए नहीं दिए मेरे को, बताओ जान कैसे दे देगा वो मेरे लिए? बुरा मत मानना अगर कोई आदमी बैठा तो, यानी जो अपने के लिए 15,000 नहीं दे सकता जान दे देगा। मैंने शुरुआत की, बहुत सारे लोगों ने मना किया, कुछ लोग मौसी सर जैसे, महेंद्र जी जैसे, विक्रम जी जैसे आए भरोसा करके और 1% भरोसे से काम करके काम की शुरुआत की। लोग बोलते नहीं होता, मेरा विश्वास बोलता जो ब्रांच बना वो ब्रांड अंबेसडर बनेगा, मेरा यकीन है। तो जब मैंने शुरुआत की तो मैंने ब्रांच बना जब मुझे कुछ नहीं आता था तब, जब मुझे कुछ नहीं आता था तब ब्रॉन्ज बना, अरे जब कुछ नहीं पता था तब मैं सिल्वर बना, जब कुछ नहीं पता था मैं गोल्ड बना, और गोल्ड बनते बनते तो मुझे बहुत कुछ समझ में आ गया, पूरा यकीन विश्वास बदल गया, अब तो नसीब ब्रांड अंबेसडर बनेंगे। मैं ब्रॉन्ज बना, मैं सिल्वर बना, मैं गोल्ड बना, मैं प्लेटिनम बना, ब्रांड बना, टोपाज बना, रूबी स्टार बना, सफायर बना, स्टार सफायर, डायमंड ब्लू, डायमंड ब्लैक, डायमंड रॉयल, डायमंड क्राउन, आज कंपनी के अंदर अंबेसडर 15 करोड़ रुपए कमाए टोटल 7 साल में। आज जो इंसान महज 12,000 रुपए रिटायर पर्सन फौजी 10 पढ़ा लिखा, महज 12,000 रुपए पेंशन आती थी, 15,000 रुपए मामा जी देते थे, 15 और 12 कितने हुए? लेकिन उससे भी मैं 500 रुपए ज्यादा कमाता हूं, सुनना चाहोगे? 35 लाख रुपए ये इंसान महीना लेता है, 35 लाख रुपए महीना। तो टीम की बात करूं, नेटवर्क की बात करूं, लोग बोलते आते नहीं है और ये मेरा चैलेंज है, मैं जो बोल देता हूं मैं नहीं करता हूं वो करता है, मेरी औकात नहीं मेरी ताकत नहीं वो करता है। और मैं पहले दिन भी गया था ताजुद्दीन बाबा की दरगाह पे, मौसम सर हम साथ थे और हमने बोला था वो जब आएगा इसी नागपुर के अंदर एक लाख लोगों का एक नसीब प्रोग्राम करेगा, 1 लाख लोगों का हम प्रोग्राम करेंगे। थी समय लगता है। तो मैंने जब शुरुआत की 2 लोग आए 10 आए 1,000 आए 10,000 आए लाख, आज 8 लाख लोग पूरे हिंदुस्तान में मेरे साथ काम करते हैं। 8 लाख लोग सर जैसे बोलते हैं, मेरे पास किराए के मकान की जिंदगी थी, जब रिटायरमेंट होगी मैं आया तो किराए का मकान था, जो 2 मकान आर्मी में रहते हुए मैंने बनाए मेरे 2 छोटे भाइयों को मैंने दे दिए, क्यों? मेरे वालिद साहब मेरी वालदा एक्सपायर हो गए थे, हमारे पास कुछ नहीं था, वो छोटे भाई ने बिल्कुल 10,000 रुपए गुजारा कर रहे थे अपना। वालिद साहब ने बोला था लास्ट टाइम कि बेटा तू तो फौजी आदमी है, तेरी गवर्नमेंट जॉब है, तू
तू तो और भी कुछ कर लेगा, ये तेरे छोटे भाई ये दो मकान है इनको दे देना। मैंने बोला कोई बात नहीं, इन्हीं का है, और मैंने दे दिया। मेरी जिंदगी मैंने किराए के मकान में शुरू कर दी। बहुत सारे लोग बोले अरे यार बैंक से लोन लेकर के कुछ पांच चार दो कमरे तो तुम बना लो, मुझे नहीं पता कब बनेगा। आज जिस मोहल्ले में जिस कॉलोनी में रहता हूं उससे सबसे बड़ा काम मेरा है, सबसे बड़ा मकान मेरा है। आज कितने फ्लैट ये सब ये मायना नहीं रखता, ये मायना नहीं रखता। अरे हमने जब इस काम की शुरुआत की थी उस समय तो इस कंपनी को भी एक ही साल हुआ था, ना हमारे पास ज्यादा प्रोडक्ट थे। लोग बोलते थे एक बार देखते हैं तुम्हारी कंपनी और तुम कितने दिन चलोगे। मैंने बोला जब तक जान है चलेंगे नहीं दौड़ेंगे, हम चलेंगे नहीं दौड़ेंगे। आज कंपनी को 8 साल हुए हैं, लेकिन दोस्त आज मेरी टीम में कम से कम मैं आपको बता रहा हूं 70 से 80 डायमंड मेरी कंपनी मेरे साथ में। कितने लोग हैं यार मुझे पता ही नहीं, मुझे नहीं पता मेरी मोटरसाइकिल से शुरुआत थी। आज हमारे साथ कितने लोगों ने आज लग्जरी कार, हर हफ्ते में एक लग्जरी कार आती है, हर महीने में 1 करोड़पति बन जाता है। दोस्त ये मेरी वजह नहीं है, इसके पीछे मेरी ताकत नहीं है, ये मेरा टैलेंट नहीं है। अगर है मेहनत तो हम कहीं नहीं कर रहे हैं,
क्यों नहीं यहां पर 4-5 साल यहां मेहनत कर ली जाए, क्या पता जिंदगी बदल जाए। और काम तो हर आदमी करता है, पूरी जिंदगी करता है, लेकिन एक काम ऐसा है, अरे 4-5 साल करके अपने खानदान का इतिहास बदल दो, अपने परिवार के सपने बना दो, सपने पूरे कर दो। काम तो जब तक सीएंगे तब तक करेंगे। आज हम 35 लाख कमा रहे हैं, आज पिछले 4 साल से इस कंपनी का कैपिंग अचीव, आज पैसे के लिए काम नहीं कर रहा हूं मैं, आज जिन लोगों ने मेरे पे भरोसा करके मेरे साथ आए उनके लिए काम कर रहा हूं, आज उनके लिए काम कर रहा हूं। तो दोस्त कुछ लोग सोचेंगे, अरे छोड़, कुछ लोग बोलेंगे यार 5 साल की बात है लगा के शुरुआत कर। और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, 15,000 में कोई बिजनेस होता है क्या? पान पट्टी की दुकान नहीं खुलती 15,000 में बिजनेस? अरे ये तो ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है। आज के इस युग में हम जैसे मिडिल क्लास, अपर मिडिल, लोअर मिडिल क्लास को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में एडब्ल्यू मिल गया है, जिससे 4-5 साल रुपए के काम करके हम अपनी और अपने परिवार की जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन वो पॉजिटिव लोग बदलेंगे। इसी बात पर मुझे बात याद आ गई, नेगेटिव और पॉजिटिव के ऊपर। दोस्त आप लोगों ने सुना होगा, एक टाइम की बात है, इंग्लैंड का किसान था और उसने आवाज आ रही नहीं, इंग्लैंड का किसान था, उसका एक ड्रीम था कि मेरे बच्चों को मैं समुद्र के जहाज में घुमा के लाऊंगा। सन 1912 10 अप्रैल सन 1912 में पहली बार एक हवाई मतलब समुद्री जहाज जो इंग्लैंड से न्यूयॉर्क अमेरिका सिटी जाना था, वो किसान जिसके 5 बेटे और हस्बैंड वाइफ, किसान था, फार्मर था, उसने अपनी मेहनत से वो 7 टिकट परचेज की जिसका काफी दिनों से सपना था, क्योंकि वो जहाज वही बन रहा था, पिछले 4 साल से उस जहाज को देख रहा था और उसने एक सपना बनाया कि इस जहाज में मैं और मेरी फैमिली को घुमाऊंगा। और उसने अपनी मेहनत की कमाई से वो 7 टिकट परचेज की, 7 टिकट ली, और जिस समय का इंतजार था वो वक्त आया और वो हवाई जहाज टिकट लेने के बाद एक दिन आया कि उसका रवाना होने का टाइम आया। बसंत एक दिन पहले हुआ इतने साल से जो फॉर्मर था उसके छोटे वाले बच्चे को कुत्ते ने काट लिया, और अगले दिन उनको इंग्लैंड से घूमने के लिए जो 4 साल से सपना बना रहा था कि न्यूयॉर्क अमेरिका जाना है इस प्लेन यानी हवाई जहाज, क्या बोलते समुद्री जहाज में, क्रूज में, शिप में मेरे बच्चों को लेके जाना है। और एक दिन कुत्ता काटता उस बच्चे को, वो सपना टूट जाता है। मैडम कुछ बोलते हैं क्या करें, वो मैडम बोलती कोई बात नहीं, ये बच्चे को कुत्ता काट लिया, मैं नहीं जा सकती, लेकिन तुम अपने 4 बच्चों को लेके घूम के आ जाओ। बोले नहीं, अगर ये नहीं जा सकता, तुम नहीं जा सकते, तो हम भी कैसे। लेकिन जिस इंसान ने 4 साल से ऐसे नजदीक से किसी चीज को देखा हो, अरे किसी इंसान की फोटो देख के 4 साल से मिलने की तमन्ना हो और वो इंसान एक दिन सामने आए और फिर भी ना मिल सके, तकलीफ तो होती है। तो 4 साल के बाद वो हवाई वो जो सिप रवाना हुई और वो बंदा देख रहा था, पोरबंदर पे खड़ा, और वो जहाज जब तक आंखों से ओझल नहीं हुआ तब तक देखता रहा, और फिर उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े, मेरा सपना जो था 4 साल का चला गया। दोस्त बहुत दुखी हुआ, मैडम दुखी, बच्चे दुखी, लेकिन वही 3 दिन बाद पहले वो कुत्ते को ढूंढ रहा था, अगर मिल जाए तो उसका इलाज बनाऊ मैं। लेकिन 3 दिन बाद खबर आई, 3 दिन बाद खबर आई और अखबार में आया कि जो जहाज 10 अप्रैल 1912 को चला था वो बर्फीली पहाड़ी से टकरा के ब्लास्ट हुआ था, जिसका नाम था टाइटैनिक, जो हवाई जहाज टाइटैनिक था जो डूबा था, और उसमें जितने भी यात्री थे सारे खत्म हो
चुके थे वही पांच बच्चे तो मियां बीवी बचे थे। दोस्त ऊपर वाला उनके लिए जिंदगी देना चाहता था, इसलिए उसको सिप में नहीं बिठाया। ये उनके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव मैसेज था कि दोस्त आज कितने भी लोग आप किसके माध्यम से आए हो मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोग सोच भी जाएंगे मेरा समय बर्बाद होगा, कुछ लोग बाहर से चले गए। अरे जिस जिसको जिसने भी बताया, जिस जिसको जिसने भी बताया, ये ऊपर वाला चाहता था आपके लिए कि आप यहाँ आओ, आज एक बहुत अच्छी मीटिंग है, आज एक ऐसा फैसला लेने का वक्त है जहाँ आपके लिए आपके परिवार की जिंदगी बदल सकती है। ऊपर वाला चाहता था तब आए, अगर वो नहीं चाहता आपका किसी का बच्चा बीमार हो जाता, किसी को और जरूरी काम हो जाता, गाड़ी खराब हो जाती, कोई भी काम हो सकता था, लेकिन यहाँ तक आए हो तो ये दोस्त पॉजिटिविटी है, ऊपर वाला चाहता था। बस मैं इतना कहना चाहूंगा अगर परिवार के लिए कुछ करना चाहते हो, ऊपर वाले ने बहुत अच्छा मौका दिया है AWL के रूप में फैसला लेना, 4 साल मेरे साथ काम करना, मैं वादा तो नहीं करूंगा लेकिन दम पूरा लगा दूंगा, पूरी ताकत लगा दूंगा। और दोस्त ये हमने बोला है आज लोसी सर का नंबर है, कल राशि सर का नंबर आएगा, आरिफ सर का नंबर आएगा, हर इंसान का नंबर आएगा, बस अपने नंबर उसी का आएगा जो शुरुआत करेगा। तो दोस्त जितने भी लोग आए हैं आप जाने से पहले जिस जिसने आपको बुलाया है उनसे एक बार बातचीत करना और इस काम की शुरुआत करना, फैसला लेना। हम और हमारा पूरा AWL सिस्टम आपके साथ है, इसके लिए आज आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, शुरुआत करने के लिए मैंने बोला 15,000 रुपए। कितने लोग लेके आए 15,000 रुपए? अच्छा इस किचन में साथ कितने लोग हैं? अब कोई नहीं समझ में आ रही, 15,000 रुपए लूटेगा ये भागेगा लेके रसीद का, ऐसा ही है ना? कोई बात नहीं, आजकल सिस्टम ऐसा ही है, जेब में नहीं होते अकाउंट भरे होते हैं। 15,000 रुपए की जरूरत नहीं है, अगर वाकई आप करना चाहते हो तो आज एक 600 रुपए का जिसको हम एजुकेशन किट बोलते हैं, इसके अंदर अभी कुछ नहीं वो है, लेकिन इसके अंदर सीडी होगी, मैनुअल होगी, प्रोडक्ट की नॉलेज होगी, क्या करना है, कैसे काम को करना, वो सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, बसरते इससे आपकी सिनेट्री लग जाएगी। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जाने से पहले 4 बार सोच करके सिनेट्री लगाए और काम की शुरुआत करें। मेरी तरफ से इतने टाइम इतना बिजी शेड्यूल होते हुए आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप तमाम लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से भी मोहसिन सर, आप जितने भी लोग आए हैं अपने अपने लोगों से बात करिए, जो आज फैसला लेना चाहते हैं, बोलते हैं कि जो आज का दिन है वो चला जाएगा, कभी नहीं आएगा, अच्छे काम को शुरुआत करके जाए। थैंक यू।